अभी 2000 रुपए दिए। आज आपने कितना टोकन दिया है? 2000 रुपए। जमीन की कीमत तो कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, गड्ढे में भी ले लो, बढ़ती बढ़ती है, कहीं भी डाल दो तुम जमीन, खेती ले लो वो भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एयरपोर्ट बनना है तो इसलिए हमने भी लिया है यहाँ पे रहने के लिए, और इनको भी दिलवाया, अपने भैया को भी दिलवाया। अच्छा अच्छा, तो भाई सबको तीनों ने लिया? हाँ तीनों ने। इसका वीडियो देखा था पिछले दिसंबर में, 5000 रुपए गज का भाव था, आज यहाँ 11000 रुपए गज का भाव है। अब ये सारे रोड पक्के हो जाएंगे और सारे सिस्टम पर दिया हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 2 साल में ये डबल भाव हो जाएंगे। गांव बहुत जोलरी, जिला झज्जर हरियाणा का गांव का सरपंच रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ और जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ। तो किस माध्यम से आए थे, किसी ने बताया आपको यहाँ के बारे में? हाँ, चेयरमैन ने बताया, जिला परिषद जो हमारे अच्छा, नजदीकी है बहुत ज्वेलरी, उन्होंने भी ऐसा दिया, यहाँ 2 प्लॉट ले रखे हैं। तो आपने प्रो ले लिया? ले लिया। पूरे भारत में अगर कहीं क्रेज है आज की डेट में तो वो जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि दुनिया का 4th नंबर का एयरपोर्ट है। यमुना एक्सप्रेस इंडिया का सबसे बेस्ट रोड है। बिल्कुल, परी चौक से जब आप स्टार्ट होते हैं, स्पोर्ट सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया आपका आ ही रहा है। बिल्कुल, आपका गलगुड़ी यूनिवर्सिटी, नोएडा, नोएडा यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, पूरा एजुकेशन हब हो गया, जैसे आप आगे चलेंगे फिल्म सिटी, अभी फिल्म सिटी कहाँ पे है? मुंबई और हैदराबाद में, उनसे भी बड़ी यहाँ पे बना रहे हैं। मुंबई और हैदराबाद से फिल्म सिटी यहाँ बनेगी? यहाँ फिल्म सिटी बन रही है। लास्ट दिसंबर मेरा 5000 का रेट था, अभी मेरा बी ब्लॉक में 9000 का, ए ब्लॉक में 11000 का हो चुका है। जब जेवर एयरपोर्ट 2024 में 2 साल बाद स्टार्ट हो जाना है, सरकार की गाइडलाइन है सितंबर 2024 में उनको स्टार्ट कर देना है। आपका परी चौक से लेके एक मेट्रो यहाँ के लिए है जेवर एयरपोर्ट तक, परिवार में कोई परेशानी होगी, पैसे की जरूरत है, वो कभी भी अपना मूव ऑन कर सकते, कभी भी पैसा वापस लेके जा सकते। कभी भी पैसा वापस होगा? बिल्कुल, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एग्रीमेंट में हम लिख के भी देते हैं कि आप कभी भी अपना पैसा वापस लेके जाए। एग्रीमेंट के अंदर ये पॉलिसी है? ये पॉलिसी है। अगर मान के चलिए आपने, आप ही हो, आपने मेरे यहाँ 30% बुकिंग अमाउंट जमा करा, एक साल बाद आप आए कि रवि जी मुझे प्लॉट छोड़ना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई भी रीजन कोई भी हो, ठीक है, आपको प्लॉट छोड़ना है, आपको रीजन से मतलब नहीं, रीजन से मतलब नहीं है, तो एक साल में आपने जितना भी टोटल कलेक्शन पेमेंट दिया है उसका आपको 12% ब्याज लगा के मिलता है। आज मैं दिखाने वाला हूँ ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल 100% सेफ है, और ये जो साइट है ये आपके यमुना एक्सप्रेस से बिल्कुल टच में है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा अगले 2 साल में होगा डबल। अब आप पूछेंगे कैसे, चलिए आइए बताते हैं ऐसे, क्योंकि ये साइट है आपकी यमुना एक्सप्रेस से बिल्कुल टच में, और यहाँ पास में 9 किलोमीटर पे है जेवर एयरपोर्ट, और पास में आपकी गलगुड़ी यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी और भाई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। पिछले 1.5 साल पहले इस साइट के प्राइस थे 5000 रुपए प्रति गज, और आज हो चुके हैं 9000 रुपए प्रति गज। मतलब अगर आप देखते हो पिछले 1.5 साल में हुआ है 4000 रुपए प्रति गज का इंक्रीमेंट। उससे यही बात इसकी बात कर रहा था, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, मेरे साथ सर जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर डायरेक्टली कि क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों यहाँ पे लोग तेजी से आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखोगे ये जो रोड है, ये रोड बनाया जा रहा है, और जब ये रोड बन जाएगा तो आने वाले 10-15-20 दिन के अंदर अंदर इस साइड के प्राइस 1000 रुपए प्रति गज बढ़ जाएंगे। अगर मौका आपके पास सही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो डेफिनेटली आप नंबर आ रहा है कॉल कीजिए। बाकी सर से बात कर लेता, सर से के आपकी कंपनी का नाम क्या, कैसी डिटेल है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यूवर्स को आपने मौका दिया इतनी अच्छी साइट दिखाने का, ताकि हमारे व्यूवर्स भी आपके माध्यम से आज इन्वेस्टमेंट करके अगले 3 साल में 4 साल में डबल पैसा कर सकें। बिल्कुल। तो आपकी सोसाइटी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, सारी चीज़ें बताइए। सर हमारी कंपनी का नाम है SSR ग्रुप नोएडा जी, जिसमें कि श्री श्याम टाउनशिप के नाम से पहला प्रोजेक्ट हमारा ये है। ठीक है। यहाँ से दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाके है। ठीक है। और हाईवे यमुना एक्सप्रेस से लगा हुआ है, जो यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट से मात्र 9 किलोमीटर दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है जो कि सरकार की गाइडलाइन भी है कि आप 8 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं बना सकते हैं। मतलब जेवर एयरपोर्ट के 8 किलोमीटर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, आवासीय सेक्टर नहीं बना सकते। ये आपका 9 किलोमीटर, ये 9 से 9.5 किलोमीटर पड़ता है, बिल्कुल एडजस्ट लोग के साथ सेफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सेफ। ये मास्टर प्लान 2031 से बाहर भी है। अभी क्या है कि जेवर एयरपोर्ट पे जो भी कॉलोनियां कट रही हैं, जितना भी अभी बहुत सारी कॉलोनियां कट रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मास्टर प्लान के अंदर आती है, तो आने वाले टाइम पे वो दिक्कत आ सकती है, लेकिन अभी हमारा जो है वो मास्टर प्लान से बिल्कुल बाहर है। मास्टर प्लान से आपके बिल्कुल बाहर है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे सेफ जोन में हैं। आप सेफ जोन के अंदर सोसाइटी दिखा रहे हैं जी। इस सोसाइटी आपकी कितने एकड़ में या कितने उसमें एरिया? पहला प्रोजेक्ट सर हमारा 147 बीघे का है। 147 बीघे का जी, जिसमें कि आप अभी ये रोड देख रहे हो, ये 40 फीट का मेन रोड है। 40 फीट का रोड है जी। बाकी आपका जो ये वाले ऐसे आप इधर दिखाएंगे तो देखा, ये रोड 25-25 फीट की आपकी, 25 से 30 फीट, ये 25-30 फीट का रोड है। रोड है 25 का 30 का, ये वाला 25 का है, ये 25 का है। बाकी इससे आगे जब आप देखेंगे तो गोल चक्कर के बगल में आपके 30-30 फीट के रोड है। 30 फीट के रोड। तो सोसाइटी में हमने रोड बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जिससे कि आपको आगने वाले टाइम पे सुविधाएं अच्छी मिले। बिल्कुल, सोसाइटी के अंदर रोड भी दिए हैं, और रोड के बगल में देख रहा हूं आपने छोटे छोटे प्लांट लगा रखे हैं। बिल्कुल, पौधे लगा रखे, ताकि भविष्य में जब ये डेवलपमेंट अगले 2 साल में 3 साल में देखेंगे तो यहाँ पे इतना सुंदर नजारा होगा देखने के लिए। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि रोड लाइट हमने खंभा लगाई दिया है, बिजली खंभे लगे, सोसाइटी के अंदर चारा था, रोड का काम चल ही रहा है आपका, 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, 10 से 12 दिन में। तो हम 1000 रुपए इंक्रीज का भी हमारा प्लान है, 1000 रुपए इंक्रीज कर देंगे। अभी का रेट है। बिल्कुल, अभी 9000 रुपए पर गज का है, अभी का रेट 9000 रुपए जी, 10 से 15 दिन बाद वो आपका 10000 का हो जाना है। अभी आप लोकेशन भी देखेंगे तो देखिए
गांव पूरा पीछे आप आगे रहते हैं, बिल्कुल पीछे गांव, बिल्कुल गांव लगा हुआ है, आबादी की जमीन है, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी अभी आप आगे आएंगे तो मैं दिखाता हूँ, हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ है। बिल्कुल आइए, थोड़ा आगे चल लेते हैं, क्योंकि गांव कई बार क्या होता है कोई कॉलोनी गांव के पीछे होती है, लेकिन हमारा क्या है कि गांव और हाईवे के बिल्कुल बीच में, बीच में लोकेशन बहुत अच्छा है, आप आगे रहेंगे गांव वाले पीछे। अगर सर एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों से वादा करता हूँ कि किरायेदार से मकान मालिक बना के छोड़ूंगा, बिल्कुल ये इसका मतलब है कि आज अगर कोई किरायेदार यहाँ पे आना चाहता है, दिल्ली अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, 10-15 हज़ार पे किराए दे रहे हैं जी, तो क्या वो लोग रियल टाइम में कुछ पैसा आपको देके बाकी पैसे किस्तों में देके और अपने आपको पहले दिन आना चाहते हैं यहाँ पे बिल्कुल मकान बना के रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, यहाँ पे आपको पानी की सुविधा देंगे, पानी बिल्कुल यहाँ मीठा पानी है, आप अभी आपने पिया भी होगा, हाँ देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही नॉर्मल, बिल्कुल 25 से 30 फीट पे ही पानी है, ठीक है, साफ स्वच्छ वातावरण। सुविधाओं की बात तो ये है कि हमारा जो ईएमआई का टाइम है, कोई भी कस्टमर आता है, अभी हमारा 9000 का रेट है, मान के चलिए 100 गज का प्लॉट 9 लाख का बैठता है, 30% बुकिंग अमाउंट होता है जो आप जमा कर देते हैं, बाकी जो रेस्ट अमाउंट 70% जो बचता है वो आराम से 36 मंथ में ईएमआई के थ्रू देते रहिए, कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, जो भी टोटल प्लॉट का कॉस्ट है वही आपको 9 लाख 3 साल में देना है, देना। तब तक तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे सर, बढ़ने का मैं थोड़ा सा अपना सोसाइटी का ही बता देता हूँ, लास्ट दिसंबर मेरा 5000 का रेट था, अभी मेरा दिसंबर 5000 का रेट था और मेरा 5 साल तक का टाइम दे रहा था मैं, अच्छा अभी मेरा बी ब्लॉक में 9000 का, ए ब्लॉक में 11000 का हो चुका है, मतलब 4000 रुपये प्रति गज आपका बढ़ गया, 5000 से 9000 रुपये गज, और दूसरे ब्लॉक में वो 7000 बढ़ गया, वो पहले कितने का था, सॉरी 6000 बढ़ गया, हाँ उसमें 5000 था अभी 11000 हो चुका है, बताइए मतलब कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, पिछले एक साल की बात कर रहे हैं, एक साल हुआ भी नहीं है, एक साल में 6000 रुपये प्रति गज यहाँ प्राइस बढ़ चुका है एक साल के अंदर, भाई मैंने इतना डेवलपमेंट इतना यहाँ तो कभी नहीं देखा, इसका रीज़न क्या, क्यों बढ़ा यहाँ पे? रीज़न सर ये है कि अभी यहाँ पे जो जमीनें हैं, जेवर एयरपोर्ट का पूरे भारत में अगर कहीं क्रेज है आज की डेट में तो वो जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि दुनिया का 4th नंबर का एयरपोर्ट है, यमुना एक्सप्रेस वे इंडिया का सबसे बेस्ट रोड है, बिल्कुल परी चौक से जब आप स्टार्ट होते हैं स्पोर्ट सिटी इंडस्ट्रियल एरिया आपका आ ही रहा है, बिल्कुल आपका गलगुटी यूनिवर्सिटी नोएडा, नोएडा यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, पूरा एजुकेशन हब हो गया, जैसे आप आगे चलेंगे फिल्म सिटी, अभी फिल्म सिटी कहाँ पे है, मुंबई और हैदराबाद में, उनसे भी बड़ी यहाँ पे बना रहे हैं, मुंबई और हैदराबाद से फिल्म सिटी यहाँ बनेगी, यहाँ फिल्म सिटी बन रही है, तो आने वाले टाइम पर रोजगार बहुत ज्यादा आएंगे, बिल्कुल, तो फिल्म सिटी से लगा हुआ तुरंत आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल एरिया, जेवर एयरपोर्ट जो दुनिया का 4th नंबर का एयरपोर्ट है, तो सोचिए आप रोजगार कितना होगा, और सबसे बड़ी चीज जमीन जो ली जाती है सर वो फ्यूचर देख के ली जाती है, अभी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो 2 साल बाद आप सोचेंगे भी नहीं, रीजन जो रेट अभी आपको 9 का मिल रहा है, टाइम पीरियड भी आपको 3 साल तक का मिल रहा है, जब जेवर एयरपोर्ट 2024 में 2 साल बाद स्टार्ट हो जाना है, सरकार की गाइडलाइन है सितंबर 2024 में उनको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका फिल्म सिटी भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में आ जाएगा, आपका इंडस्ट्रियल एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, बिल्कुल यूनिवर्सिटियां जो है वो तो स्टार्ट है, बिल्कुल सही बात है, तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हो कि एक ही रूट पे कहीं भी भारत में इतनी सारी चीजें एक रूट पे नहीं है, नहीं मिलेंगे, सही बात है, बिल्कुल। सामने फिर आपका मथुरा तीर्थ क्षेत्र आ जाता है, उसके आगे फिर आगरा, सीधा आगरा होते हुए लखनऊ निकल जाता है, हाईवे सबसे बेस्ट हाईवे है इंडिया का, बिल्कुल सही बात, तो आप सोच सकते हैं कि रेट किस तरीके से बढ़ेंगे। अच्छा जैसे कि सबसे पहले कोई व्यक्ति लेना चाहता प्लॉट जी, या यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मेरी वीडियो देख के जो रहना चाहते हैं वो अगर कल को आके रहते हैं प्लॉट आपका पूरा पैसा दे देते हैं एक साल में या फिर 6 महीने में या फिर हैंड टू हैंड, बिल्कुल, तो यहाँ पे आके रहते हैं तो उनके लिए रोजगार की सुविधा मिलेगी, रोजगार की अपॉर्चुनिटी कहाँ का मिलने वाली? रोजगार की अपॉर्चुनिटी सर आपको पूरे हाईवे पे रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ? अभी दिल्ली नोएडा से बिल्कुल लगा हुआ है जेवर एयरपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, आपका परी चौक से लेके एक मेट्रो यहाँ के लिए है जेवर एयरपोर्ट तक, दूसरा आपका इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहाँ से अलग मेट्रो है, अच्छा इसी पे आपका रैपिड मेट्रो बुलेट ट्रेन पॉड टैक्सी का रेलवे का एक पूरा हब बना रहे हैं, अच्छा अच्छा जेवर पे ही, तो मतलब डेवलपमेंट काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बिल्कुल। अच्छा ये रोज सोसाइटी के अंदर जो आपका प्लॉट के साइज है वो क्या क्या है? प्लॉट का साइज सर हमारा कमर्शियल में 30 गज की शॉप से स्टार्ट होता है, 30 स्क्वायर यार्ड से लेके और 150 स्क्वायर यार्ड तक है, ठीक है, और जो आपका प्लॉट साइज है वो 50 गज से लेके 60, 75, 100, 150, 200, 300 मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लोकेशन, जब आप परी चौक से यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट होते हो जेवर एयरपोर्ट क्रॉस करते हुए आप टप्पलगढ़ तक आते हो, टोल प्लाजा पार करने के बाद टप्पलगढ़ से मात्र 3 किलोमीटर हाईवे से लगा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल हाईवे पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जस्ट हाईवे से उतरते हैं तो सामने आपको सड़क दिख जाएगी, 30 मीटर की दूरी पे आपको सड़क दिखेगी, तो सोसाइटी ऐसी पहली बार है मेरे चैनल के ऊपर जो यमुना एक्सप्रेस वे से टच में है, और टच का मतलब समझ रहे हो भाई, अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, पर बुद्धिमान लोग बैंक में रख के पैसा नहीं कमाते, बुद्धिमान लोग कभी भी गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बुद्धिमान लोग ना एफडी नहीं करते भाई, बुद्धिमान जो होते हैं ना लोग आज ना प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि उनका पैसा अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 2-3 साल में डबल हो जाए, प्रॉफिट कमाना ना दोस्तों, ऐसी सोसाइटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सबसे बढ़िया बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट ये वाला। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूं, हम क्लाइंट जो हमारे कस्टमर रहते हैं
उसके लिए हम पूरी सिक्योरिटी देके चलते हैं, यानी कि अगर हमारे यहाँ कोई भी प्लॉट किसी ने लिया 30% बुकिंग अमाउंट जमा कर दिया, उसको 2 महीने बाद 4 महीने बाद समझ में आता है कि यार कहीं भी रेट नहीं हो बढ़ रहा, डेवलप नहीं कर रहे, या कंपनी पे ट्रस्ट कम होता है, या मान के चले भगवान ना करे परिवार में कोई परेशानी होगी, पैसे की जरूरत है, वो कभी भी अपना मूव ऑन कर सकते, कभी भी पैसा वापस लेके जा सकते, कभी भी पैसा वापस होगा, बिल्कुल ऐसे कैसे पॉसिबल है। एग्रीमेंट में हम लिख के भी देते हैं कि आप कभी भी अपना पैसा वापस लेके जाइए, एग्रीमेंट के अंदर ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। अगर मान के चलिए आपने आप ही हो, आपने मेरे यहाँ 30% बुकिंग अमाउंट जमा करा, 1 साल बाद आप आए कि रवि जी मुझे प्लॉट छोड़ना है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई रीजन कोई भी हो, ठीक है, आपको प्लॉट छोड़ना है, आपको रीजन से मतलब नहीं, रीजन से मतलब नहीं है, तो 1 साल में आपने जितना भी टोटल कलेक्शन पेमेंट दिया है उसका आपको 12% ब्याज लगा के मिलता है। अच्छा जी, जितने में आपने प्लॉट लिया उसका 12% प्लस वापस आपको रिटर्न होगा, रिटर्न हो गया। अगर किसी ने 100% प्लॉट ले लिया, 100% पैसा दे दिया, तब भी वापस होगा, तब भी उसका 12% ब्याज लगा लीजिए। पर ये पॉलिसी कब तक है? पहले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए? पॉलिसी आपकी जो अभी से आपने लिया है 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू चलती है, कंटिन्यू चलती रहेगी, लॉन्ग टाइम के लिए पॉलिसी है। अगर आप मतलब भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ मैं आपको, सेफ है आपका पैसा, यहाँ बैंक में रखा पैसा एक ही बात है, तब भी आपको बैंक में, बैंक आपको इतना इंटरेस्ट नहीं देगा। बैंक में अगर आप आज 4 लाख रुपए की एफडी करा दो, 6% ब्याज मिलता है, आज आपने कराया 1 साल बाद लेने गएंगे तो कितना मिलेगा? 4,24,000 आपका इंटरेस्ट हो गया, 4 लाख आपने दिया था, 4,24,000 मेरे है, आपने 1 साल में ईएमआई पे दिया, बुकिंग अमाउंट के बाद कंटिन्यू आप ईएमआई पे देते रहे, एक टाइम में 1 साल में मान के चलिए टोटल कलेक्शन आपने मुझे 4 लाख दिया, मैं कितना दे रहा हूँ? 12,44,000 वो भी आपको वन टाइम नहीं करना मेरे यहाँ एफडी की तरह, बिल्कुल आप ईएमआई पे दे रहे हो, मतलब उससे बढ़िया। अगर यहाँ पे मतलब ये बहुत अच्छी लगी मुझे फैसिलिटी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं गोल चक्कर पे, ये पूरे एरिया का गोल चक्कर माना जाता है, यहाँ से इस साइड भी रोड गया है और पीछे भी रोड गया है, आप देख रहे हैं, और इस साइड भी रोड गया हुआ है। तो एक बार मैं कैमरा घुमाता हूँ, पीछे दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले देखिए सामने आपका हाईवे है, जो आपका हाईवे यमुना एक्सप्रेस है उसके टच में आपकी सोसाइटी का मेन गेट है, जहाँ से एंट्री एरिया है, और 2 गेट लगे हैं जो आपको बताते हैं कि एक गेट आपकी सोसाइटी का एंट्रेंस करने के लिए, दूसरा गेट आपका एग्जिट करने के लिए है। तो दोनों गेट से आपको प्रवेश करता है सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे ट्रैक्टरों से देखिए, ये 40 फीट का रोड है मेन रोड, बाकी 25 से 30 फीट की रोड है, ठीक है। तो गेट से आप जैसे एंट्रेंस होते हैं आप देखेंगे जो 40 फीट का रोड है आप देख पा रहे हैं, पूरा पूरा ये सोसाइटी के अंदर जाता है, यहाँ पे ट्रैक्टर भी चल रहे हैं जो कि आपकी सोसाइटी में रोड बना रहे हैं। सोसाइटी के देखोगे तो खंभे लगे हैं बिजली के प्रॉपर, बिल्कुल सोसाइटी के अंदर भी लगे हैं, इस मेन रोड के बगल में भी खंभे लगे हैं ढेर सारे जी। सोसाइटी के अंदर आपको रोड, सीवर लाइट, बाउंड्री वॉल, गेट वन सोसाइटी, ये सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। मैंने सुना है सोसाइटी के अंदर जो आपका मैप है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वहाँ पे आपने कुछ स्पेस कम्युनिटी सेंटर के लिए भी दिया हुआ है, बिल्कुल कुछ आपने स्कूल के लिए दिया हुआ है, उसके बारे में बताओ। आपके यहाँ पे 5 पार्क हैं, एक कम्युनिटी सेंटर है, ये आप देखेंगे आप 40 फीट में जाएंगे, ये गोल चक्कर है, ठीक है। गोल चक्कर से आगे तक वो आप देख रहे हो लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप आगे आइए, आप आगे आएंगे तो देखेंगे तो वहाँ पे मीटिंग बैठे, जहाँ पे जो भी लोग संडे को या फिर एवरीडे विजिट करते हैं तो वहाँ पे मीटिंग बैठे, लोग वहाँ आके बैठते हैं इस गोल चक्कर से लेके और उस जगह तक। ये बी ब्लॉक पड़ता है, बी ब्लॉक में लेफ्ट हैंड पे ये बी ब्लॉक, तो बी ब्लॉक में ये पूरा का पूरा आपका जो रहता है वो मार्केट है कमर्शियल। अच्छा, कमर्शियल मार्केट है ये पूरा एरिया जी। बाकी देखिए रोड बन रहा है यहाँ पे, अभी आपका रोड हम तैयार करा दे रहे हैं, 10 दिन में आपको ब्लैक रोड बन जाएगा, 10 दिन में ब्लैक रोड बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो देखो ये रोड है जो कि 10-20 दिन के अंदर ब्लैक रोड बन जाएगा, बिल्कुल डाबर का, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। जैसे कि सर मैंने सारी जानकारी आपको दी है और मैं अपने प्लॉट जो देखने आते हैं हमारे यहाँ पे उनसे भी मैं एक कहना चाहूँगा कुछ कि आप हमारे यहाँ पे जब भी आपको कोई भी यूट्यूब पे हमारा नंबर आ रहा होगा आप इस पे आप कॉल करके कभी भी अपनी कैब बुक कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको प्लॉट देखने के लिए, एनसीआर से पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पिकअप एंड ड्रॉप आपका फ्री है, ठीक है। आप अपना परिवार के साथ आएँ, विजिट करें, समझ में आता है ठीक है अपना डन करें, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना घर पे वो गाड़ी आपको ड्रॉप कर देती है, ठीक है। बाकी आप आगे चलेंगे तो मेरे कस्टमर बैठे हुए आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, बिल्कुल सर। तो दोस्तों सर ने काफी अच्छी जानकारी दी है वीडियो के अंदर। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर से पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है, अगर आप आना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर हमारे कॉल करेंगे। एयरपोर्ट बनना है तो इसलिए हमने भी लिया है यहाँ पे रहने के लिए, और इनको भी दिलवाया, अपने भैया को भी दिलवाया। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब को तीनों ने लिया है, अभी 2,000 रुपए दिए। आज आपने कितना टोकन दिया है? 2,000 रुपए। क्या विचार रखते हैं इसके बारे में? मान के चलो अगर आप जमीन लेके छोड़ देते हो आने वाले 5 साल बाद, देखे तो ये जमीन के प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्या सोचा हुआ मैंने? एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट की वजह से लगता है आपको बढ़ेंगे? जमीन की कीमत तो कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, गड्ढे में भी ले लो, बढ़ती बढ़ती है, कहीं भी डाल दो तुम जमीन, खेती ले लो वो भी बढ़ेगी घटेगी नहीं। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेहताब सिंह गहलोता है और मैं गाँव बहु ज्वेलरी जिला झज्जर हरियाणा का गाँव का सरपंच रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ और जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ। इसका वीडियो देखा था। अच्छा जी। और वीडियो के अंदर जो इसकी सिचुएशन देखी, एक फेस नंबर फर्स्ट की और फेस नंबर सेकंड की, ठीक है। यहाँ जो है पिछले दिसंबर में 5,000 रुपये गज का भाव था, आज यहाँ 11,000 रुपये गज का भाव है, ठीक है।
ठीक है, तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है? मैंने वहाँ फेज नंबर टू पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ 7,000 का रेट था और मैंने 8,000 रुपए गज लिया था और 9,000 रुपए गज का अब भाव है। अब भाव है तो बाबूजी फाइनली मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो जी, हमने जी इतनी दूर से आए हैं तो नजदीक के आदमी तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना चाहिए। बिल्कुल, जब हम यहाँ से 300 किलोमीटर चल के आए हैं और हमने जो देखा इसका कंपनी का जो यानी सिस्टम वो हमें पसंद आया। ठीक है, अब ये सारे रोड पक्के हो जाएंगे और सारे सिस्टम पर लिया हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 2 साल में डबल भाव हो जाएंगे। तो किस माध्यम से आए थे, किसी ने बताया आपको यहाँ के बारे में? हाँ, चेयरमैन ने बताया, जिला पार्षद जो हमारे नजदीकी है बहु ज्वेलरी में, उन्होंने भी ऐसा यहाँ 2 प्लॉट पे ले रखे तो उन्होंने आपको बताया, उन्होंने बताया इसीलिए हमारे यहाँ देखा हमने, अच्छा माहौल लगा था, हमने साइड अच्छी लगी तो हमने। तो आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो कल को आपका पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, इसीलिए लिए? बिल्कुल यार, बाबा जी बहुत समझदार है, समझदार व्यक्ति है तो इनको डेफिनेटली सारी चीजें पता होगी और बहुत सारे लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। बाबू जी, क्या किसी ने आपको पैसे दिए वीडियो में बोलने के लिए कुछ भी अच्छी बात? ना, ना, ना। नहीं, ऐसा नहीं है ना, नहीं, अपनी इच्छा से बोल रहे हैं। तो आपने प्रो ले लिया? ले लिया। और इन्होंने एक चीज और बताया कि अगर आप पेमेंट एडवांस दे देते हैं प्लॉट लेने का जो मोड बन गया आपका, बाद में आप किसी रीजन से आपको प्लॉट का नहीं लेने का विचार होता है, किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से, चाहे आपको डर हो गया हो, चाहे वैसे कुछ लोकेशन चेंज हो गया हो, तो आप पैसे भी रिटर्न ले सकते हैं विद 12% इंटरेस्ट पे। इन्होंने अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो कंपनी आपको पैसे वापस करेगी, अगर आप प्लॉट बाद में लेना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ, मतलब पैसे देने के बाद भी आपको पैसे वापस मिल जाएगा? हाँ हाँ, पैसे वापस मिल जाएंगे, या 12% का इन्होंने, 12% का जो इंटरेस्ट है वो भी साथ में देंगे, इन्होंने ऐसा कमिटमेंट किया हुआ है और उसको रिटर्न में भी लिख के देंगे, रिटर्न में लिख के देंगे एग्रीमेंट के साथ में। हाँ, एग्रीमेंट के साथ में लिख के देंगे। ठीक है, और ये 30% आप पेमेंट देते हैं तो आपकी बुकिंग हो जाएगी, 50% आप देंगे तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, 100% जब हो जाएगा तो दाखिल खारिज जो भी फाइनल प्रोसीजर होता है वो कंप्लीटेड हो जाएगा। जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि हाँ हमारे लिए भी अच्छा है तो मैं भी रह सकता हूँ। तो क्या प्लान कर रहे हैं आप, मतलब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? अभी तक जो भी हमारा प्लान है पॉजिटिविटी है, बट फाइनल डिसीजन मेरे ऊपर नहीं है, बिल्कुल जो मेरे पिताजी के ऊपर है तो वो आएंगे तो भी प्रॉपर्टी में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, वो जो बोल देंगे उनके हिसाब से हम आगे प्रोसीजर।